नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए ऑस्ट्रेलिया और वहां पर एक बहुत बढ़िया रिसेप्शन मिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही इज द बॉस। और उससे पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट ने जापान में बोला कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की लंबी चौड़ी जो फैन फॉलोइंग है उसमें अब एक्सो स्टेज भी शामिल हो चुके। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो उठाया वो ये था कि टेंपल्स पे जो अटैक हो रहे हैं, खालिस्तानी जो अटैक कर रहे हैं उस पर एक्शन लिया जाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू था, साथ में और दूसरे इश्यूज भी इन्होंने उठाए। लेकिन इस पूरे जो ट्रिप था, थ्री कंट्रीज यानी कि इसमें पापुआ न्यू गिनी भी था, इस पूरे ट्रिप में मोदी छाए रहे। बाकी किसी वर्ल्ड लीडर का ऐसा ऐसा ना हमने रिसेप्शन देखा ना ऐसा उनका स्वागत देखा। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ सुमित जैन साहब। सुमित जैन साहब इंडियन हैं और इस समय चाइना में हैं और वहां पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं। साथ में तीन किताबें इन्होंने लिखी हैं, तीन या चार मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं सुमित जैन साहब से पूछूंगा। तीन, राइट। जैन चार साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। यस, चार किताबें लिखी हैं और वो सारी अमेजोन पे अवेलेबल है। जैन साहब पहली चीज के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनका जो रिसेप्शन था वो ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा रहा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि ही इज द बॉस। रोज भाई, नी हाओ फ्रॉम चाइना एंड नमस्ते फ्रॉम इंडिया। एंड ये इससे बड़ा गर्व की बात नहीं है कि जो मोदी जी जहां जाते हैं ही टेक्स ओवर। ऐसा लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, वो फिजी जाते तो ऐसा लगता है फिजी के प्रधानमंत्री वही है। देखिए, छाने का भी एक लिमिट होती है और हमें तो अब आदत पड़ गई है। मुझे तो यहाँ पे जो स्टेडियम में इनका जो स्वागत हुआ है, जितना इंडियन डायस्पोरा आया था वहां पर, ऐसे लगता है कि यार ये बहुत छोटा था। क्योंकि हर एक बार हमें इतनी बड़े बड़े फोरम्स में खड़े होकर मोदी जी को स्पीच देते हुए देखने की ऐसी आदत पड़ गई है कि कई बार हमें लगता है कि शायद छोटा स्टेडियम था, इस बार सिर्फ 20-25 हज़ार लोग थे। तो ये ऐसी आदत पड़ गई हमें एक्चुअली, या कह लें कि हमारी मोदी जी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। नॉट ओनली अस, अभी वो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशंस मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा हाई हैं। अब उन्होंने उसको उनको बॉस तक बुलाना शुरू कर दिया है। भाई, अमेरिका का प्रेसिडेंट, ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, वो मोदी जी को आके बोलते हैं एंड वो खुद आके बोलते हैं कि मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए। इससे बड़ा जो एक फकर एज अ एनआरआई, एज अ इंडियन, हमें नहीं हो सकता। आज तक हमने देखा था वो साइड पे खड़े होते थे, भाई वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, ये यतीमों की तरह, कोई पूछता नहीं था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। और आज ये हाल है कि वर्ल्ड के लीडर्स आकर मिलते हैं एंड दे आर सेइंग, यार तुम क्या जादू किया है तुमने, हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, अमेरिका की टिकट्स सोल्ड आउट है, ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स टू अटेंड दिस जो इनका वेन्यू था, प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट आ रही है। भाई, इससे बड़ा एक गिफ्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर अब इंडियंस को और क्या दे सकते हैं। सो इट इज लाइक किसी, जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान में वो पिंकी पिरनी है, उनसे कुछ जादू के ट्रिक्स इन्होंने सीखे हैं और जहां जाते हैं कोई ना कोई जादू अपना फैला के आए थे। राइट। अच्छा, ये इशू जो कि टेंपल्स पे अटैक किया गया, ये इशू कितना बड़ा इशू था जो कि वहां पे टेकअप किया गया? और जाहिर है कुछ खालिस्तानी लोग ऐसे अटैक्स कर रहे हैं, तो क्या ये खालिस्तान इशू भी इसके साथ साथ रेस कर दिया है? रोहित भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वाला। रीजन बीइंग, ये सिर्फ एक टेंपल के ऊपर अटैक नहीं है, इट्स अटैक ऑन इंडियन इंडियंस। एंड सेकेंडली, जो खालिस्तानी मूवमेंट जो कर रहे हैं, वी ऑल नो कि कहाँ से इनकी फंडिंग आ रही है, बिकॉज विदाउट फंडिंग ये काम नहीं हो सकता। तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, वी नो दैट। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट को भी मालूम है कि कौन इनको इंस्टिगेट कर रहा है ये हरकतें करने के लिए। इट इज ओनली टूगेदर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और कुछ भी नहीं है इसके पीछे। मोटिव कुछ नहीं है, सिर्फ एक न्यूसेंस क्रिएट करना है, नथिंग एल्स। आज एक चीज बताइए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो शायद सिख भाइयों की है। हमारी जो सिख फैमिलीज हैं वो वहां पे माइग्रेट की हुई हैं, दे परमानेंटली लिविंग देयर। उनमें से कितने परसेंटेज ऑफ लोग इस मूवमेंट के साथ हैं? कुछ चंद, यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स। एंड दे आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम्स ओनली टू इंस्टिगेट प्रॉब्लम्स बिटवीन यू नो सिख्स एंड हिंदूज, जो होगा नहीं।
आपने एक चीज नोट किया होगा रोहित भाई, मोदी जी ने वहां पर एक चीज बोली है कि वी शुड वर्क ऑन एनर्जी, वी शुड वर्क ऑन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो वी शुड वर्क ऑन स्टॉपिंग इलीगल माइग्रेशन। अब ये इलीगल माइग्रेशन का वर्ड आपने, आप सोच के देखिए, मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया में जाकर इलीगल माइग्रेशन की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? रीजन बीइंग, जो आदमी अपनी मेहनत से वहां तक गया है थ्रू लीगल चैनल्स, वो वहां पर काम करने गया है, वो पैसे बनाने गया, अपनी जिंदगी बनाने गया है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, खालिस्तान मूवमेंट हो कुछ भी हो। लेकिन जो इनलीगल वे से जाते हैं, दे आर द वंस हु आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम्स। और मोदी जी क्या बोल रहे हैं, इनलीगल माइग्रेशन को रोकना चाहिए, और इन्हें जब इलीगल माइग्रेशन को रोकेंगे तो लोगों को वापस भेजना पड़ेगा इंडिया में, एंड दीज आर द वंस हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अब मैं रोहित भाई आपको इसको एक आप दूसरी तरह से समझिए, अमेरिका के अंदर इलीगल माइग्रेशन बहुत बड़ा इशू हो गया है, और जितना जितना इलीगल माइग्रेशन बढ़ रहा है उतना क्राइम भी बढ़ रहा है वहां पर। रीजन बीइंग, उनका रिकॉर्ड ही नहीं है लोकल गवर्नमेंट के पास, ना फिंगरप्रिंट्स हैं, ना उनके रहने का लोकेशन कोई पता है। तो उनको मालूम है, इलीगल इमिग्रेंट्स को मालूम है कि अगर वो कोई हरकत करते भी हैं तो उनको पकड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल। यूरोप के अंदर भी इलीगल माइग्रेंट्स ही हैं जो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। यूके के अंदर भी जितनी आज की डेट में हेट्रेड है टुवर्ड्स द ब्रिटिश पीपल, वो इलीगल माइग्रेंट्स कर रहे हैं। जो लीगली वहां पर गया है उसके फिंगरप्रिंट्स है, उसका एड्रेस है, उसके फेस रिकॉग्निशन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अंदर है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू क्रिएट दिस प्रॉब्लम्स। तो मोदी जी ने बहुत एक मास्टर स्ट्रोक वहां पर किया है कि इलीगल माइग्रेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया विल वर्क टूगेदर, ये बात आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस वन वर्ड इज अ मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि इंडिया में ऑस्ट्रेलियन तो इलीगली को रह नहीं रहा, इंडिया भी है जो ऑस्ट्रेलिया में इलीगल रह रहे हैं। दीज आर द पीपल हु आर क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम्स। और जैसे ही इन लोगों को पकड़ा जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा इंडिया में, और इंडिया में इनके अगेंस्ट केसेस होंगे, क्योंकि इन सबकी फोटोज कैमराज के अंदर कैद है। वी विल नॉट डील विद देम द वे इंडिया शुड बी डीलिंग। राइट राइट। और अगर बात करें तो ये पूरे के पूरे जो ट्रिप था, इसमें प्राइम मिनिस्टर के पैर भी छुए गए एक और प्राइम मिनिस्टर ने, उससे पहले एक और प्रेसिडेंट थे। अच्छा, ये पूरे ट्रिप क्या हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था सिक्योरिटी वाइज? रोहित भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया या मोदी जी को वहां पे भेजा गया है, या वो वहां पर गए हैं एज अ डील मेकर। अब मैं डील मेकिंग बात समझाता हूँ कैसे है। चाइना ने बहुत देर से वहां पर इन्वेस्टमेंट्स करने शुरू कर दिए थे, बिकॉज चाइना नहीं चाहता था कि वहां पे अमेरिका अपने अमेरिकन बेसिस बनाए। अमेरिका का वहां पे बेसिस ऑलरेडी थे, जो कि 2023 में उनका एग्रीमेंट खत्म हो रहा था यहाँ पर। तो चाइनीज वर ट्राइंग फॉर द लास्ट 2-3 ईयर्स कि जैसे ही अमेरिका का बेस खत्म हो, हम वहां पे अपने बेसिस बना लें और अमेरिका की एंट्री इस एरिया में खत्म हो जाए। अच्छा, इन्होंने एक आइलैंड्स है, कोको आइलैंड्स है, क्या है उसके साथ एग्रीमेंट चाइना ने साइन भी कर लिया, मिलिट्री एग्रीमेंट। सोलोमन आइलैंड्स, सोलोमन आइलैंड में इन्होंने एग्रीमेंट साइन भी कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट दे ट्राई टू डू, 14 की 14 कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश करी, एकदम से वहीं पे मार खा गए। और वो वहां पर उन्होंने बोला कि नहीं, वी डो नॉट ट्रस्ट चाइना, एंड उन्होंने एग्रीमेंट साइन नहीं किया। अभी आपको पता होगा, शायद कल की बात है, कल या परसों की बात है, अमेरिका ने दोबारा से वो एग्रीमेंट ये पपुआ न्यू गिनी से किया है, विच वॉज एक्सपायरिंग। दे हैव साइंड विद वन एंड दे आर गोइंग टू साइन विद अदर कंट्रीज ऑल्सो। लेकिन वो पहले अमेरिकन को ट्रस्ट नहीं करते थे, दे वर नॉट रेडी टू साइन विद अमेरिका। इसलिए मोदी जी ने जाकर वहां पर एक ही बात करी है, यू शुड वर्क विद पीपल हुम यू कैन ट्रस्ट। ये मोदी जी का स्टाइल है, उनकी एक एक बात बहुत डीप होती है, एंड जो समझने वाले वो समझ आते हैं। जब उन्होंने 14 कंट्रीज को इकट्ठा करके, जबकि 14 कंट्रीज कभी इकट्ठे होते नहीं है, 14 कंट्रीज के हेड्स को बुलाकर उन्होंने एक ही बात बोली, लेट्स वर्क टुगेदर एंड वर्क टुगेदर जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। क्या नाउ देयर इज अ चॉइस बिटवीन अमेरिका, इंडिया एंड चाइना, इन तीनों में से आप किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे? That is why they said we trust you. उन्होंने इन्हें ग्लोबल साउथ का जो लीडर भी डिक्लेयर कर दिया,
जबकि मोदी जी ने तो बोला नहीं है कि मुझे ग्लोबल साउथ का डिक्लेयर करो लीडर, उन्होंने बोल दिया कि वी डिक्लेयर यू एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ ऑल्सो। देन ग्लोबल पीस की बात कर रहे हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मोदी जी इज नाउ लाइक अ मैग्नेट, जहां जाते हैं सब कंट्री साथ में चिपक जाते हैं उनके साथ, एंड वो कहते हैं आप बताओ क्या करना है, वी आर रेडी टू डू इट। व्हाई? बिकॉज मोदी जी दो ही बातें करते हैं, एक करते हैं डेवलपमेंट की, कि आपका भी डेवलपमेंट हो और हमारी भी डेवलपमेंट हो, हाउ यू कैन हेल्प इन अवर डेवलपमेंट एंड वॉट अवर वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, हम आपके डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए रेडी हैं। जबकि बाकी सब है कि हम इस एरिया का कंट्रोल कैसे लें। चाइना का मतलब क्या है? चाइना मीन्स दे आर ट्राइंग टू गेट कंट्रोल ओवर दिस आइलैंड्स। बात करेंगे डेवलपमेंट की, लेकिन जाकर कंट्रोल कर लेंगे इन कंट्रीज को। अमेरिका को सिर्फ बेस चाहिए ताकि चाइना को कंट्रोल कटेल करना, कल को कोई वॉर की सिचुएशन होती, कुछ भी होती है, तो इतनी दूर से उनको कटेल करना मुश्किल है। अमेरिका से पैसिफिक ओशन में बैठे हैं, बिल्कुल बाजू है, बाजू में है। इट इज नेक्स्ट टू ऑस्ट्रेलिया, नेक्स्ट टू जापान एंड वेरी नेक्स्ट टू चाइना। इसलिए इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कल को इंडिया का जैसे यहाँ पर अभी दबदबा बना है, जैसे मोदी जी वहां पर एक विंडो खोल कर आए इंडिया के लिए, कल को अगर इंडिया को बेस भी बनाना पड़े पैसिफिक आइलैंड पैसिफिक में, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर अस, और इसकी विंडो मोदी जी खोल कर आ गए हैं। कल को अगर चाइना कुछ भी इंडिया पैसिफिक इंडिया ओशन में कुछ करता है, तो वी आर गोइंग टू हैव अ बेस अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका इन पैसिफिक, जो कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मोदी जी खेल कर आए हैं वहां पर। तो मोदी जी के जाने के बाद उन्होंने एक सेकंड में अमेरिका के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन, और बाकी के कंट्रीज भी एक एक करके या इंडिया से करेंगे या अमेरिका के साथ करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट भरत भाई। मैप के ऊपर ये कंट्रीज मिलते नहीं है, टेलीस्कोप लेके ढूंढने पड़ते हैं, माइक्रोस्कोप लेके ढूंढने पड़ते हैं, इतने छोटे आइलैंड्स हैं। और मोदी जी ने वहां जाकर वो काम किया जो आज तक किसी कोई प्रधानमंत्री वहां पर गया नहीं था। ही वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू गो टू दिस आइलैंड्स, और उनको सबको इकट्ठा किया और सबका साथ और सबके विश्वास की बात करके आए हैं। आपने नोट किया होगा इस ट्रिप के अंदर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए तो ट्रस्ट की बात करी, ट्रस्टेड पार्टनर इन 14 कंट्रीज में गए हैं तो ट्रस्टेड पार्टनर, G7 में बैठे हैं तो ट्रस्टेड पार्टनर। मोदी जी बार बार ट्रस्टेड पार्टनर की बात क्यों करते हैं, आप समझ गए होंगे इस वक्त। अच्छा, एक एक इससे भी बाहर एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि G20 की जो बैठक हो रही थी श्रीनगर में वो ना हो पाए, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अब मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने बोला, मतलब जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर के, उन्होंने बोला कि यार पाकिस्तान को नाम लिए बिना कि वो जो इस मीटिंग को बिगाड़ने के चक्कर में थे वो अपनी रोटी का तो जुगाड़ कर लें, रोटी का जुगाड़ हो नहीं रहा, दूसरे के कंट्री में हेरा फेरी कर रहे हैं, बॉयकॉट करा रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। तो वैसे तो ये जो इवेंट हुआ 2 दिन का टूरिज्म समिट जो थी, ये सक्सेसफुल थी, इसमें 17 के आसपास टेरिटरी आए थे, तीन चार जो पाकिस्तान से कुछ मुस्लिम उम्मा की चश्मे खा रहे थे, या एक चाइना जिसने आना ही नहीं था, हमें पता था नहीं आना था और उसकी परवाह भी कोई नहीं कर रहा था। जो तीन चार कंट्री नहीं आए उसके अलावा बाकी 16 कंट्री आए, तो ये एक एक एंडोर्समेंट था इंडिया का, और ये भी था कि श्रीनगर इज पीसफुल। साथ में ये एक बहुत बड़ा, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ओपन द बिग डोर, बहुत बड़ा दरवाजा खोला है कि आगे से जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे उसमें कश्मीर भी वर्ल्ड मैप पे होगा, हम करवाएंगे वहां इवेंट्स, और अब तक नहीं हो रहे थे ना, अब हम करवाएंगे, नाउ दैट एरिया इज ओपन फॉर इंटरनेशनल इवेंट्स। रोज भाई, जो वहां पे इवेंट किया है उसका इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि एक इवेंट किया है, उसमें 16-17 कंट्री के डेलीगेट्स आए हैं एंड और भी बिजनेस कम्युनिटी आई है वहां पर, इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये इमेजेस हैं ये पूरे वर्ल्ड में तो दिखी दिखी हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोगों ने वो इमेजेस देखी हैं कि वहां पर खुलेआम लोग घूम रहे हैं, जो डेलीगेट्स आए हैं वो भी घूम रहे थे वहां पर, दे वर एंजॉइंग देमसेल्व्स, वहां गाने चल रहे हैं, एंड जो डेवलपमेंट वहां पर आपको दिखती है वो फोटोज के अंदर पता लगता है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ने बनाया हुआ है पूरे जम्मू कश्मीर में। जब वहां के पीओके के लोग ये इमेजेस को देखेंगे वो सोचेंगे भी हम किस नर्क में रह रहे हैं यहाँ पर,
दिस इज वेयर उनको लूज मोशन लगे हुए हैं कि अब पीओके के लोग बोलेंगे जैसे वहां पर डेवलपमेंट है वैसी डेवलपमेंट हमें भी चाहिए यहां पर. प्लीज अंडरस्टैंड द कंपेरिजन नाउ विल स्टार्ट, जहां पे पीओके के लोग बोलना शुरू करेंगे कि वी वॉन्ट टू गो विद इंडिया. भाई नर्क में कौन रहना चाहेगा, यहां पे तो लाइन में लगानी नहीं पड़ती आपको आटे के लिए इंडिया के अंदर, वहां पे लाइन में लगना पड़ता है फिर भी आटा मिलता नहीं है, और उसमें भी इंश्योरेंस करा के जाना पड़ता है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे. सो अब वहां पर पाकिस्तान में इस बात का डायलॉग शुरू होगा. भी पाकिस्तान बोलता था वहां पे तो कोई घूम नहीं सकता, वहां पे मिलिट्री का रूल है, वहां पे लोकल लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो छीने गए हैं. ऐसा कुछ भी नहीं था. 1,80,00,000 लोग 2022 में घूम कर आए हैं श्रीनगर में, उनमें से मैं भी एक हूं. लास्ट नवंबर आई वॉज देयर एंड आई हैव सीन कि वहां पे कितना पीस है, हार्मनी है लोकल लोगों के. मैं तो वहां पर एक एक दिन अपने एक दोस्त के घर में रुका भी हूं वहां पर श्रीनगर के अंदर. तो इट्स अ आई ओपनर फॉर द वर्ल्ड कि इट इज नॉट एज पाकिस्तान प्रमोट्स कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं, वहां पर इंटरनेट बंद है. वहां पर लोगों ने अपना मोबाइल भी यूज किया है, 4G भी यूज किया है, लोगों से बातें भी करी हैं, उन्होंने वहां पे खाना भी खाया, लोगों के साथ घूमे भी हैं, वो दल लेके फोटो सारी दुनिया देख रही है. एंड वो जो ये दल लेक गए थे, परी महल गए थे वो लोग, चश्मा शाही गए थे वो लोग, निशात गार्डन गए थे और पोलोनियो मार्केट गए थे. यस, वो सब जगह घूमे, सब जगह घूमे हैं. और ये हार्ट ऑफ श्रीनगर है, ये कोई आउटस्कर्ट्स के अंदर नहीं है चीजें सारी. एंड वहां पर घूमे हैं, उन्होंने पिक्चर्स देखी हैं और पूरे वर्ल्ड में वायरल हुई हैं. बट मुझे पाकिस्तान को थोड़ा थैंक्स भी करना चाहिए, चाइना को भी और पाकिस्तान को भी, कि अगर ये भांजी मारने की कोशिश नहीं करते तो शायद इस बेटी को इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती. भी आज अगर पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है इस मीटिंग के बारे में, इट्स वेरी वेरी. आप सोच के देखिए रोहित भाई, 200 से ज्यादा मीटिंग्स होनी है G20 की, और इतनी मीटिंग्स हो गई किसी की चर्चा नहीं थी. इसकी जितनी चर्चा हुई है, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग, टूरिज्म के ऊपर मीटिंग था ये. और इसकी इंपॉर्टेंस पूरे वर्ल्ड में फ्रंट पेजेस पे फोटोज भी छपी हैं. वो भी मिनिस्टेरियल लेवल नहीं थी. नहीं, मिनिस्ट्री लेवल नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ वर्किंग कमेटी. शेरपाज आते रहे हैं हमारे इंडिया में, एक साल से आ रहे हैं, नथिंग हैपन, किसी का कोई मेंशन भी नहीं था. और इसका इंपॉर्टेंस इतना था कि पूरे वर्ल्ड का मीडिया था वहां पर, थैंक्स टू पाकिस्तान बेवकूफी एंड चाइना ऑल्सो, कि वी गॉट इम्पोर्टेंस एंड रिकॉग्निशन कि कश्मीर इज पीसफुल, कश्मीर हैज मूव्ड ऑन, इंडिया हैज मूव्ड ऑन टूगेदर विद कश्मीर. And no need to worry, we can hold any moment, any big event in this place. ये एक इतना बड़ा तमाचा है पाकिस्तान की बेवकूफी के ऊपर. वैसे तो सभी गधे ही हैं वहां पर, मैंने बताया था आपको कि दुनिया के सबसे ज्यादा गधे और बेस्ट ब्रीड गधों की यही मिलती है. ये प्रूव करता है कि ये कुछ भी सोच समझ के काम नहीं करते. एंड आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो के दिमाग के ऊपर, शक्ल के ऊपर कुछ बौखलाहट थी बहुत ज्यादा, जब वो पीओके में चक्कर मारने गया था, जब हमारे यहाँ पे G20 हो रही थी, वो पीओके में बैठा हुआ था. आपने घबराहट देखी उसके चेहरे पे, मुझे लगता उसे लग रहा था कि शायद आखिरी बार मुझे पीओके आने का मौका मिल रहा है, जल्दी जा आऊ वहां पर, क्योंकि उसके बाद तो वीजा लेके आना पड़ेगा इधर. उसके चेहरे पे बौखलाहट दिख रही थी कि जैसी मीटिंग हमने G20 में करी है, और G20 का मतलब है दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंट्रीज का वहां पर आना, वहां पर सेफली एक विजिट करना, वहां पर अपना पूरा डेलीगेशन वहां पर बैठ के खाना खाया उन्होंने, उन्होंने मीटिंग्स करी हैं, घूमे हैं फिरे हैं, और अपना यूपीआई यूज किया है लोकल चीजें खरीदने में. सो इट्स अ रिकॉग्निशन कि दुनिया ने कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज किया इस चीज को, एंड इस चीज के लिए, एंड बिलावल नोज कि अगर वहां पर रिकॉग्निशन हो गया है, अब पीओके के अंदर आवाजें उठेंगी कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैव डेवलपमेंट. पाकिस्तान के पास आटा खरीदने के तो पैसे नहीं है, डेवलपमेंट कहां से करेगा भाई. मुझे अभी आई वाज ऑन अ शो विद अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, ही वाज सेइंग कि इतना बुरा हाल है पीओके का, वहां पर एयरपोर्ट्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बस स्टॉप्स नहीं है, सड़कें नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, उन्हें सबको पाकिस्तान के अंदर आना पड़ता है. पीओके अंदर, पीओके इज लाइक अ
एब्सोल्युटली रबिश प्लेस, नो डेवलपमेंट। और जब हम इधर देखते हैं इंडिया की तरफ जो डेवलपमेंट है भाई, जमीन और आसमान का फर्क है, नर्क और स्वर्ग में जो फर्क होता है वो दिखता है। आपको क्या लगता है अभी पीओके के लोग ये चीजें नहीं देख रहे हैं? वो अपने डिमांड नहीं करेंगे कि वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इन पीओके, बट पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता इन चीजों को। सो अब बघलाहट उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है, एंड आई एम प्राउड कि कश्मीरी लोग जो हैं वहां पर समझ गए हैं कि उनका फ्यूचर सेफ एंड बेटर कहां पर है। क्योंकि इस मीटिंग में इंडिया ने क्या प्रूव किया है, सिर्फ दो चीजें कि वी वांट टू प्रमोट टूरिज्म। रोहित भाई, जो होटल का रूम 20 साल पहले 500 रुपए में 300 रुपए में मिलता था, आज 5000 रुपए में भी वहां मिलता नहीं है। जिस होटल में मैं रुका हूँ उस होटल का रूम 20 साल पहले जब मैं वहां जाता था अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, बिकॉज मेरा बैंकर था जेके बैंक, उनका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है, आई यूज टू गो देयर रेगुलरली, वो मुझे 5000 रुपए में रूम मिलता था। अभी मैं नवंबर में जाके आया हूँ वहां पर, 1.5 लाख रुपए पर नाइट का रूम मिलता है वो वाला, जो 5000 में पहले मिलता था, एज अ होटल यूज टू बी एम्प्टी। ये फर्क है। अब जिस आदमी को इतने पैसे मिल रहे हो एंड विदाउट एनी एफर्ट, भाई कश्मीरी लोगों ने तो कोई पब्लिसिटी करी नहीं कि यहाँ पे टूरिज्म कीजिए, प्लीज यहाँ पे आइए। आपने देखा होगा कि गुजरात की गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स करती है। कश्मीर की आपने कभी भी एडवर्टाइजमेंट देखी नहीं होगी, नेचुरली लोग वहां जा रहे हैं, उसकी ब्यूटी इतनी है कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। सो लोकल पीपल आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट टू ब्रिंग पीपल, लोग खुद खुद जा रहे हैं वहां पर एंड दे आर मेकिंग मनी। ऐसा होता है, ऐसा होता है कि कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दूं ना तो वो 10 मिनट तक की 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 करता रहता है। यही किया मोदी जी ने और अमित शाह ने, बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ किया कि भाई हमें नहीं जरूरत, और ये चाल थी, दिस वाज अ चाल, जैसे के मनमोहन सिंह ने चाल बनाई थी शारगुल शेख में बलूचिस्तान का नाम डाल के, और बलूचिस्तान आज तक डिस्प्यूटेड है, जवाब देना भारी पड़ रहा है। वही चाल यहाँ खेली गई, वो चाल ये खेली गई कि आप एक इवेंट रख दीजिए श्रीनगर में, वो चीखता रहेगा, सबसे ज्यादा अब तक का सबसे ज्यादा हाइप इवेंट था ये, और पूरी वर्ल्ड मीडिया आई और पूरी वर्ल्ड मीडिया ने आके सबको दिखाया कि क्या ट्रेन चल रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं और पीसफुल है यहाँ पे, और होटल ऑक्यूपेंसी देखिए पूरे सारे, यहाँ तो नेट चल रहा है जो पाकिस्तान चीख रहा था। क्या अमित शाह और मोदी की चाल में फंस गया पाकिस्तान? देखिए रोहित भाई, पाकिस्तान को फंसाने की जरूरत नहीं, अब वो पहले से ही फंसा हुआ है, बस उसको एक्सपोज करने की जरूरत थी, वो हमने एक्सपोज कर दिया। फंसे हुए को क्या फंसाना है, वो तो पहले फंसे हुए हैं। अब मैटर क्या है, वी हैव ऑल्सो शोन वन थिंग कि अगले साल, वैसे तो दिसंबर 2023 में हमारा जो रेलवे नेटवर्क है वो श्रीनगर के साथ जुड़ जाएगा, हमारे ब्रिजेस ऑलरेडी तैयार हैं, एंड नेक्स्ट ईयर 2024 में आप देखेंगे कन्याकुमारी से ट्रेन चलेगी और सीधा कश्मीर जाएगी, और वंदे भारत शुरू होने वाली है, दिल्ली से वंदे भारत शुरू होगी विच विल गो टू श्रीनगर। उसके बाद आप टूरिज्म में जो वहां पर तेजी देखेंगे, अब वर्ल्ड के जो लोग वहां पर आना शुरू होंगे, दैट इज गोइंग टू चेंज द गेम। एंड ये हमने प्रोजेक्ट भी किया है कि हमारे ब्रिजेस शुरू हो गए हैं, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज हमने बनाया श्रीनगर के पास। सो ये चीजें दर्शाती हैं कि हमने पाकिस्तान को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया है इंटरनेशनल मीडिया में एंड इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। अगेन थैंक्स टू पाकिस्तान फॉर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। एक चीज और इसमें नई चीजें जो आपको दिखेंगी वो ये कि अब कश्मीर एक फोकस आएगा। आने दीजिए ना, अभी हमारी क्वाड की मीटिंग्स तो होंगी, क्वाड की भी तो कई मीटिंग्स होती हैं, उनमें वो मीटिंग्स भी अब श्रीनगर में होंगी। हम G20 की जो मीटिंग्स थी हो ली, हम G7 ज्वाइन करेंगे वो होंगी, और दूसरी बिम्स्टेक की मीटिंग्स, ये मीटिंग वो मीटिंग, 50 मीटिंग्स होती है हमारी तो। हम ब्रिक्स की मीटिंग्स होंगी, आने दीजिए ब्रिक्स की मीटिंग्स भी वही होंगी। और अगर हमने हेड्स ऑफ द स्टेट्स की गवर्नमेंट, यानी कि जहां पे शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन आए थे, वो मीटिंग श्रीनगर में रख दी होती तो क्या शी जिनपिंग उसको मना कर जाते? ये क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आज नहीं हो रहा है, आने वाले टाइम में हेड्स ऑफ स्टेट्स की मीटिंग भी श्रीनगर में होगी, ये भी मैं बता सकता हूँ 100% होगी। और हम उम्मीद करेंगे
या चाइना के प्रेसिडेंट से मना कर जाए, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी जिस पर हम बात कर रहे थे काफी टाइम से, फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा, चाइनीज इकोनॉमी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के आगे आने वाले टाइम में वो मना नहीं कर पाएंगे? रोहित भाई, चाइना की इकोनॉमी मैंने पहले भी बताया आपको कि काफी डामाडोल है, ये इसको इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं बट इनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। इनकी डिपेंडेंस हमेशा अमेरिका और यूरोप के ऊपर थी, यूरोप लाइन में लगा है तेल खरीदने में, खाना खरीदने में, क्योंकि उन्हें उन्हें खाना मिलता था यूक्रेन से और रशिया से, वो वहां से नहीं आ रहा। दे आर ट्राइंग टू सी कि वो फूड के ग्रेन्स कहाँ से लेंगे, तेल कहाँ से खरीदना है, वो लाइन में लगे हैं। उनको उनको अभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदने की इतनी लालसा नहीं है, उन्हें अपनी कंट्री को चलाना है, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए उनको, सो दे आर वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। अमेरिका ऑलरेडी एक एंटी चाइना सेंटीमेंट्स हैं, ऑर्डर्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ पर आपको कहीं भी चाइना में यूरोपियन और अमेरिकन नहीं दिखेंगे। इनकी जो एग्जीबिशन यहाँ लगती हैं, मेगा एग्जीबिशन हैं, उसके अंदर आपको जनरली दिखेंगे रशियंस, इंडियंस एंड मिडल ईस्ट पीपल। और चाइना ने भी कहीं ना कहीं सोच लिया है कि अब माइनस अमेरिका हमारी ग्रोथ और फ्यूचर स्टैंड करता है। सो इंडिया इज द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर फॉर चाइना एट द मोमेंट। इनको लगता है कि अब इंडिया इज द फ्यूचर, जैसे इंडिया राइज कर रहा है, इंडिया की डिमांड्स इंक्रीज हो रही हैं, इंडिया ही हमें बचाएगा, इसलिए यहाँ पर रिस्पेक्ट इंडियन बिजनेसमैन की, इंडियन लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी आप देखें कहीं भी मॉल में जाइए, आप किसी एग्जीबिशन में जाइए, जैसे वो देखते हैं कि इंडिया ने, दे विल गिव यू इंपॉर्टेंस। पहले ऐसे नहीं था, पहले अमेरिकन को रिस्पेक्ट मिलती थी, चाइनीज सिर्फ उसे रिस्पेक्ट देते हैं जहां से इन्हें पैसे मिलते हैं। इन्हें अब पैसे, इनको देख पता लग गया कि बिजनेस भी आएगा तो इंडिया से आएगा, प्रॉफिट भी आएगा तो इंडिया से आएगा, क्वांटिटी के ऑर्डर्स, क्योंकि छोटे मोटे ऑर्डर्स इनको नहीं चाहिए, इनकी फैक्ट्रीज इतनी बड़ी हैं, इनको बल्क में ऑर्डर चाहिए, और बल्क में ऑर्डर कौन देगा? नंबर वन पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, नंबर वन और हाइएस्ट नंबर ऑफ मिडिल क्लास इन द वर्ल्ड, हाइएस्ट नंबर ऑफ जो जो न्यू स्टार्टअप्स आते हैं अभी इंडिया में, जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, कुछ भी हो। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक मीटिंग हुआ था एक कंपनी के साथ, यहाँ पर ही इज नाउ लुकिंग, ही इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लैपटॉप मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना, ही वांट्स टू हैव अ टाई अप इन इंडिया। सो आप देखिए यहाँ पर जो इंटरेस्ट है लोकल लोगों का, बिजनेसमैन का, एंड इवन द गवर्नमेंट इज टू मूव टूवर्ड्स इंडिया एंड मिडल ईस्ट, बजाय की यूरोप एंड अमेरिका। सो फॉर इंडिया दिस इज द बेस्ट टाइम, इंडिया को चाइना इग्नोर ही नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि इनका जो पहले स्टैंड था, बहुत टफ टफ स्टैंड था जो इंडिया के लिए, वो कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा रिसेंटली वो स्टैंड कम है, ठीक है। एक अपना कश्मीर के अंदर एक मीटिंग में उसने बायकॉट किया, नहीं आया, बहुत मीटिंग्स है जिसके अंदर बहुत कंट्रीज नहीं आते। अगर चाइना एक मीटिंग में नहीं भी आया, विच वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ टूरिज्म मीटिंग, फर्क नहीं पड़ता, बट मैटर उस दिन आएगा जैसे आपने बोला कि सपोजिंग हम एससीओ की मीटिंग कश्मीर में रख दे, तब देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान वहां पे आएंगे या नहीं आएंगे। रखी जाएगी, आज नहीं रखी जाएगी, 10-2 साल बाद, 5 साल बाद रखी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी को 100% रखी जाएगी। 5 साल का अपने बहुत लंबा टाइम दे दिया, यू विल सी, ये मोदी जी है, जहां जाते हैं मास्टर स्ट्रोक छोड़कर आते हैं। इन्होंने पहला जो था ट्रायल किया है विद टूरिज्म, क्योंकि छोटे प्लेटफॉर्म में, नाउ इट विल बी हेड ऑफ द स्टेट्स विद मोदी जी एंड अमित शाह जी एंड दोवाल साहब पीछे बैठे हुए उनके, हर एक मीटिंग में यू विल सी मिस्टर दोवाल स्टैंडिंग सिटिंग इन द बैक ऑफ मिस्टर मोदी। ये तिकड़ी जो है ना, ये जब कुछ सोच लेती है तो करके छोड़ती है। इन्होंने ट्रायल कर लिया, इन्होंने अपने दुश्मन की जो औकात है वो भी नाप लिए, सो नाउ इट विल बी हेड ऑफ द स्टेट्स कमिंग, एंड अब कुछ बड़ी मीटिंग कश्मीर में होकर रहेगी, लेट्स सी विच वन। बिल्कुल सही, ओके रहेंगी, और देखिएगा देखिएगा चाइनीज प्रेसिडेंट, अगर ऐसे ही चलती रही इकोनॉमी तो चाइनीज प्रेसिडेंट कश्मीर भी आएंगे, डिस्प्यूटेड टैग भी हटा दिया जाएगा और बोलेंगे नहीं इट इज एन इंडियन टेरिटरी। थैंक्स अ लॉट सो मच जैन फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ डिस्कशन करने में, और लोग इंतजार भी करते हैं, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सुमित जी कहाँ है। सुमित जी आते रहिएगा और लोगों को बताते रहिएगा, लोगों को अपनी नॉलेज शेयर करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, अभी के लिए
जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।